आज वर्ष हुआ, आज 164 वर्ष हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया हूँ मैंने। और सबसे पहले मैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी वर्सोवा से चुनाव लड़ने के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और तमाम मेरे साथियों जो आज मेरे साथ में यहाँ पे आए, मेरी माँ बहन है सब जो यहाँ पे आए हैं, और इनकी दुआओं के साथ मैंने आज ये पर्चा भरा हूँ। हेलो, और इनकी मेरे सब साथी जो MIM के हैं और बाकी मेरे सारे जाति धर्म के लोग जो आज मेरे साथ यहाँ पे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। कौन से मुद्दे हैं जिसके आप डेवलप करेंगे? देखिए, वर्सोवा के अंदर पिछले 25-30 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछले 15-17 साल 2014 से पहले कांग्रेस रही है यहाँ पे, उसके बाद 2014 के बाद से अभी तक यहाँ पे BJP रही है। आज भी आप बोलेंगे तो मेरी माँ बहनों के यहाँ पे घरों में पानी नहीं है। आप जितने भी गुलशन नगर ले लो, आनंद नगर ले लो, बैरम बाग ले लो, जितने भी स्लम यहाँ पे हैं, कोई स्लम के अंदर आज भी पानी नहीं है, लाइट नहीं है बराबर से। और जो बिल्डिंग SRA के अंदर डेवलप होके जा रही है उसके अंदर भी हफ्ते हफ्ते दर तक पानी नहीं आता है लोगों के पास, और जो पानी आता है उसमें कीड़े आते हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हमारे यहाँ पे हैं जिनको हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप मुंबई अध्यक्ष हैं, अभी तक आपने कितनी सीट को घोषित किया है MIM? देखिए, अभी तक हम लोगों ने मुंबई के अंदर 3 सीट घोषित की है, वर्सोवा और बाइकल्ला की है, और अभी एक मुमरा हमने कल की थी, उसके बाद अभी शाम तक अभी तक देखते हैं और कितनी सीट हम घोषित करेंगे।